Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today we are going to do another very important question of the novel To the Lighthouse written by Virginia Woolf. इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पेपर्स में आते रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द करैक्टर स्केच ऑफ मिसेस रैमसे. मिसेस रैमसे जिनको हम कह सकते हैं कि ये इस नावल के न्यूक्लियस की हैसियत रखती थी और जिनकी बात में पार्ट थ्री में दिखाया हुआ कि डेथ हो जाती है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केचेस एंड इट ऑफनली कम्स इन द पेपर्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. मैं हैंड रिटन नोट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें. इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म के भी नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके रिक्वायर्ड नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन. करैक्टर स्केच ऑफ मिसेस रैमसे. डिस्कस करैक्टर एंड रोल ऑफ मिसेस रैमसे. वर्जीनिया वुल्फ 1822 टू 1941 वॉज एन इंग्लिश राइटर हु इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फोरमोस्ट मॉडर्निस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी एंड अ पायनियर इन द यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ नरेटिव डिवाइस. वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो एक ऐसी नावलिस्ट थी जो कि फोरमोस्ट मॉडर्निस्ट में शामिल हैं और ये 20वीं सदी से ताल्लुक़ रखती थी और इसने सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस्तेमाल की थी अपने नावल में. बॉर्न इन एन एफ्लुएंट हाउस होल्ड इन कैंसिंगटन लंदन, शी अटेंडेड द किंग्स लंदन कॉलेज एंड वॉज एक्वेंटेड विद द अर्ली रिफॉर्मर्स ऑफ वेमेंस हायर एजुकेशन. जी, लंदन में इसकी एजुकेशन हुई थी. वुल्फ वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द लिटरी सोसाइटी. लिटरी सोसाइटी में इसकी सेंट्रल हैसियत थी. हर वर्क्स आर वाइडली रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इसके काम मशहूर हैं और पढ़े जाते हैं. शी सफ़र्ड फ्राम स्वेयर बोल्ट्स ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू आउट हर लाइफ. यानी वो थोड़े डिप्रेशन में थी एंड टुक हर ओन लाइफ बाय ड्राउनिंग इन 1941 एट द एज ऑफ 59. 59 ईयर्स की एज में उसने सुसाइड कर लिया था बाय ड्राउनिंग और 1941 में उसकी डेथ हो गई थी. टू द लाइट हाउस इज़ अ रिमार्केबल मास्टर पीस पेंड बाय वर्जीनिया वुल्फ. ये एक मास्टरपीस है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है. टू द लाइट हाउस बहुत ही गहरा नावल है. इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं इसमें. इट वाज पब्लिश्ड इन 1927 एंड अपीयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुक्स यूजिंग द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये आप इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारा इंट्रोडक्शन दें. आप डायरेक्ट आंसर से भी शुरू कर सकते हैं बाय राइटिंग टू और थ्री लाइंस अबाउट द राइटर एंड अबाउट द बुक. और ये जो नावल है ये पब्लिश किया गया था 1927 में. ये बहुत सिग्निफिकेंट बुक्स में आता है इसका नाम, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक इस्तेमाल की गई है. द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन द आइजल ऑफ स्काई जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इस स्टोरी का आगाज़ हुआ था आइजल ऑफ स्काई की जगह से. द रैमसे फैमिली हैव अ हॉलीडे होम ओवर लुकिंग द सी एंड द डिस्टेंट लाइट हाउस. रैमसे फैमिली दिखाई गई है और इनका एक हॉलीडे होम है जो कि समंदर के ऊपर वाकया है और वहाँ पर कुछ फासले पे लाइट हाउस है. ड्यूरिंग द समर द फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रैमसे विद देयर एट चिल्ड्रन इनवाइट फ्रेंड्स एंड कोलीग्स टू स्टे. जब यानी समर आता है तो ये रैमसे फैमिली जिसमें मिस्टर एंड मिसेस रैमसे शामिल हैं उन अपने 8 बच्चों के समेत वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, कोलीग्स को, ताकि वो उनके साथ वहाँ पर समर की छुट्टियाँ गुजारने आएँ. जी, मिसेस रैमसे आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक में हाईलाइट किया गया है, लेकिन पेपर में आपने ब्लैक बिल्कुल यूज़ नहीं करना. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं जी ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, सो इट इज़ नॉट अलाउड. आपने सिर्फ ब्लू मार्कर और ब्लू पेन यूज़ करना है. मिसेस रैमसे इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर रैमसे. मिस्टर रैमसे की वाइफ है मिसेस रैमसे. शी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द नावल.
नावल की शुरुआत में दिखाया गया है कि उनकी उम्र 50 साल है. शी इज़ द मदर ऑफ 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चों की वो माँ है. शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग इवन एट दिस एज. लेकिन इस एज में भी वो ग्रेसफुल नज़र आती हैं. शी इज़ अ लवली स्टार एट द सेंटर ऑफ द रैमसे फैमिली एंड एट द हार्ट ऑफ द नावल. वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है रैमसे फैमिली की. और उनके मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस की हैसियत है इस नावल में. शी हैज़ बोथ काइंड्स ऑफ ब्यूटी, इनर एंड आउटर. यानी शी इज़ ब्यूटिफुल इन साइड आउट. मिसेज रैमसे कैन बी सीन एज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लाइट हाउस बाय द वे इन विच शी बिकम्स द गाइडिंग बेकन दैट इल्यूमिनेट्स लाइफ एंड ड्रॉज पीपल इन टू अ सर्कल ऑफ एनर्जी एंड वार्म्थ एंड सेफ्टी. मिसेज रैमसे जो हैं वो पर्सोनिफिकेशन के तौर पे देखा जा सकता है उनको, और वो लाइट हाउस को पर्सोनिफाई कर रही हैं इन अ वे कि वो दूसरों के लिए एक गाइडिंग स्टार हैं जो कि इल्यूमिनेट करती हैं दूसरे की लाइफ को और लोगों को ड्रॉ करती हैं कि अपनी तरफ. यानी वो जो उनका सर्कल ऑफ एनर्जी है, वार्म्थ है, वो बहुत मदरली हैं, लोगों को बहुत गाइड करती हैं. एंड सेफ्टी एज़ वेल, यानी उनके साथ प्रोटेक्शन फील होती है, वार्म्थ का एहसास होता है, तो वो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं. इसलिए मैंने न्यूक्लियस का नाम दिया है उनको कि ये फैमिली की न्यूक्लियस है. विद इन मिसेस रैमसे देयर एग्जिस्ट एन एसेंशियल पुल बिटवीन द गिविंग ऑफ हरसेल्फ टू अदर्स एंड द सस्टेनिंग ऑफ हर ओन सेल्फ. उनकी पर्सनैलिटी में एक एसेंशियल पुल था, यानी वो अपने आप को दूसरों के लिए देने को तैयार होती थी, यानी सर्व करने के लिए रेडी होती थी. एंड द सस्टेनिंग ऑफ हर ओन सेल्फ मतलब ये वो अपनी पर्सनैलिटी को सस्टेन भी करती थी. दिस एबिलिटी टू गिव एंड टू लव अनकंडीशनली बिकम्स हर स्ट्रेंथ. ये जो उनकी एबिलिटी थी देने की और अनकंडीशनली लव करने की, यही उनकी स्ट्रेंथ थी. स्पेशली द लव एंड एडोरेशन शी बेस्टोज अपॉन हर हस्बैंड. ये मोहब्बत और शफ़क़त जो अपने हस्बैंड को देती थी. मिसेस रैमसे इज़ ओनली ट्रूली हरसेल्फ व्हेन शी इज़ एबल टू गिव हरसेल्फ टू अदर्स. वो अपने आप को मुकम्मल तभी महसूस करती थी जब वो ट्रूली अपना आप दूसरों के सपोर्ट कर देती थी, उनको सर्व करती थी. शी गिव्स लाइट एंड लाइफ टू हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन एंड एवरीवन अराउंड हर. जिस तरह के एक लाइट हाउस होता है और वो अपने इर्द गिर्द रोशनी फैलाता है, उसी तरह मिसेस रैमसे जो है वो एक रोशनी की मानन थी और वो अपने जो इर्द गिर्द लोग थे उनमें ज़िंदगी भर देती थी. द लाइट मिसेस रैमसे इंटरनलाइजेस सीक्स आउट द लाइट इन अदर, स्पेशली द स्पार्क ऑफ जीनियस एंड ग्रेटनेस विद इन हर हस्बैंड. जो मिसेस रैमसे के अंदर जो लाइट थी वही वो लोगों को बाहर देती थी, और उनका जो बेस्ट उनमें बेस्ट वर्जन थी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती थी. स्पेशली जो उनके हस्बैंड का जीनियस था या ग्रेटनेस थी उनके हस्बैंड की, उसके मुतालिक बात हो रही है. आगे टेक्सचुअल कोट है. शी ऑफन फेल्ट शी वॉज नथिंग बट अ स्पॉन्ज सोप्ड फुल ऑफ ह्यूमन इमोशंस. यानी वो ह्यूमन इमोशंस से भरपूर थी. बिकॉज मिसेस रैमसे इज़ एबल टू फील सी एंड नो अदर्स. मिसेस रैमसे में ये खसूसियत थी कि वो दूसरों को महसूस कर सकती थी, देखती थी और जान सकती थी. शी बिकम्स अ सिम्बल नॉट ओनली ऑफ प्योरिटी. वो प्योरिटी का सिम्बल नहीं थी सिर्फ एंड ट्रुथ और सच्चाई का सिम्बल, बट ऑल्सो ऑफ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लाइफ. वो जिंदगी के नेचुरल ऑर्डर का सिम्बल भी थी. मिसेस रैमसे सर्चेज आउट एंड इल्यूमिनेट्स नॉट ओनली द गुड इन इंडिविजुअल पीपल बट द पॉसिबिलिटी फॉर गुडनेस इन ऑल पीपल एंड सोसाइटी एज अ होल. मिसेस रैमसे जो थी वो तलाश करती थी और इल्यूमिनेट करती थी, यानी रोशन करती थी ना सिर्फ इंडिविजुअल लोगों की अच्छाई को, लेकिन ये भी तलाश करने की कोशिश करती थी कि जो कोई बुरा भी है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी होगी गुडनेस की. तो वो तमाम लोगों में गुडनेस तलाश करने की कोशिश करती थी और सोसाइटी में भी एज अ होल. मिसेस रैमसे इज़ रियली एंड ट्रूली द सेंट्रल फिगर ऑफ द टू द लाइट हाउस. ये सेंट्रल फिगर थी इस नावल का. जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नावल इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय हर. जो पहला हिस्सा है नावल का वो मुकम्मल तौर पे डोमिनेटेड है मिसेस रैमसे की पर्सनालिटी से. एवरीथिंग एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी सीम्स टू रिवॉल्व अराउंड हर स्ट्रक्चरली एंड साइकोलॉजिकली. यानी तमाम लोग जो हैं वो उनके इर्द गिर्द ही घूमते हुए नज़र आते हैं. शी प्रोवाइड द कोहेसिव फोर्स विच गिव्स अ सेंस ऑफ यूनिटी. वो एक जोड़ने की फोर्स प्रोवाइड करती थी कि लोगों को वो जोड़ती थी
और जिससे एक सेंस ऑफ यूनिटी हमें महसूस हो सकता है इसमें, एंड मीनिंग टू द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड हर, यानी वो लोगों को सेंस ऑफ यूनिटी भी देती थी और मीनिंग देती थी उन लोगों की जिंदगियों में जो उनके इर्द गिर्द होते थे. शी इज़ द न्यूक्लियस, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द सेंटर अराउंड विच एक्शन एंड मूवमेंट आर बिल्ट, जिसके इर्द गिर्द एक्शन हो रहा है और हरकत हो रही है, बिल्कुल वो न्यूक्लियस की मानन थी. द नावल ओपन्स विद अ फोकस ऑन मिसेस रैमसे द सेंटर, नावल की शुरुआत ही मिसेस रैमसे से हो रही है जो सेंट्रल फिगर है. शी इज़ सिटिंग इन एट द विंडो, वो खिड़की पे बैठी हुई है, विच लिंक्स द लॉन विद द इनडोर, जी विंडो लिंक करी है लॉन को इनडोर से. पीपल कम एंड गो बट शी रिमेन्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लोग आते हैं और जाते हैं लेकिन वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. द माइल स्टोन इन द मूवमेंट ऑफ द वेरियस करेक्टर्स, ये माइल स्टोन भी हैं लोगों के मूवमेंट का. फर्स्ट टू कम टू हर, जो सबसे पहले उनके पास आते हैं, आर मिस्टर रैमसे एंड चार्ल्स टेंसले. Mrs. Ramsay's impression about these people as they impinge upon her consciousness fill out the scene for the reader. कि वो आके उनको चौंका देते हैं. Similarly, as Mr. Banks and Lily Briscoe come back from their walk, they too come again within her range of vision. वो भी वॉक से वापस आते हैं, Mr. Banks और Lily Briscoe, तो वो भी उनकी नज़र के सामने आ जाते हैं. Thus, there is a simple transition back to the center. यानी सब ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे घर की माँ होती है और सब बच्चे माँ के पास ही वापस आते हैं, तो शी इज़ अ सेंट्रल फोर्स, एवरीबडी सीम्स टू बी रिवॉल्विंग अराउंड हर. ऐसे ही लग रहा है जैसे वो जैसे बाहर फिर के आते हैं तो वापस मिसेस रैमसे के पास ही आते हैं. दिस इज़ रिमार्केबली क्लियर एट द डिनर पार्टी, और ये चीज़ डिनर पार्टी में मज़ीद वाज़े हो जाती है. Her role as a unifying force comes out most prominently here when everybody assembles for dinner. यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा करी हैं डिनर के लिए, towards the end of the first part of the novel. यानी first part जो है इस नावल का उसके एंड पे वो डिनर के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा करी हैं. At this party, Mrs. Ramsay acts not only as a cementing force connecting various individuals to one another, but she also has to engage herself with some of them. इस पार्टी में मिसेस रैमसे जो हैं वो एक सीमेंटिंग फोर्स है, यानी सबको जोड़ने की ताकत हैं, और वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अपने आप को भी इंगेज करती हैं कुछ लोगों के साथ. मिसेस रैमसे कम्युनिकेट्स विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स, गेस्ट एंड फ्रेंड्स, एंड वीव देम इनटू अ कोहेसिव होल इवन फॉर अ मोमेंट. दो एक मोमेंट के लिए वो तमाम जितने भी लोग हैं उनको वीव कर देती हैं एक कोहेसिव होल में, और वो तमाम लोगों से बातचीत करती हैं जिसमें फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हैं, गेस्ट और फ्रेंड्स. बायोलॉग शी कंपेल्स लिली टू बी कंसिडरेट टू चार्ल्स टेंसले, वो मजबूर करती हैं लिली को कि वो चार्ल्स टेंसले को कंसिडर करे. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इंटरवेंशन, या उससे बातचीत करे, ये जब इंटरवीन करती हैं तो टेंसले इज़ ब्रॉट आउट ऑफ हिज आइसोलेशन. टेंसले अपनी वो जो आइसोलेटेड दुनिया से बाहर निकल आता है एंड गेट्स द अटेंशन सो ही सो बैडली नीड्स टू फील, और उसको वो अटेंशन मिल जाती है जिसकी उसको बहुत ज़रूरत होती है, टू फील एट होम, ताकि वो अपने आप को ऐसे ही महसूस करे जैसे वो अपने ही घर में है. मिस्टर कारमाइकल इज़ ब्रॉट आउट ऑफ हिमसेल्फ बाय द ब्यूटी ऑफ द बाउल ऑफ फ्रूट एट द सेंटर ऑफ द टेबल. मिस्टर कारमाइकल जो हैं वो अपने आप की दुनिया में से बाहर निकलते हैं जब वो देखते हैं इतनी खूबसूरती से एक बाउल में फ्रूट सजा हुआ है और वो टेबल के सेंटर पर पड़ा हुआ है. They were happier now than they would ever be again. This is again an actual quote. इसको आप ब्लू से हाईलाइट कीजिएगा, मिसेस रैमसे का कोट है. But Mr. Ramsay, her husband is completely dependent on his wife. Mr. Ramsay जो है मुकम्मल तौर पर dependent है अपनी बीवी के ऊपर. She is one of the very few people who understand his problem. वो उनमें से चंद लोगों में से थी जो उनकी प्रॉब्लम को समझती थी. He needs sympathy, उनको हमदर्दी की ज़रूरत थी, and encouragement, हौसला अफजाई की, and repeatedly comes to her to be reassured. वो बार बार अपनी वाइफ के पास ही जाते थे ताकि उनको acknowledgement मिले और वो उनको reassure करें. As he reflects on his life, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में
जैसे सोचता है एंड अचीवमेंट और जो कुछ उसने अचीव किया है ही कम्स टू एक्नॉलेज हिज डिपेंडेंस ऑन हिज वाइफ एंड हर पोजेशन ऑफ अ पावर. उनको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती थी तो अपनी वाइफ के पास आते थे एंड स्ट्रेंथ डिफरेंट इन काइंड फ्रॉम हिज ओन. ठीक है, पावर की पोजेशन के लिए और स्ट्रेंथ के लिए जो उनको डिफरेंट काइंड की महसूस होती थी अपनी बीवी के ऊपर, वो वहाँ पे आके प्रोटेक्टेड फील करते थे और सिक्योर फील करते थे. दो मिसेस रैमजे इज़ वेरी ऑफन अनहैप्पी. मिसेस रैमजे नाखुश थी अक्सर एट द वे इन विच हर हस्बैंड कंडक्ट्स हिमसेल्फ. जिस तरह से उनके हस्बैंड जो हैं वो रहते थे, अपने आप को कंडक्ट करते थे, बिहेव करते थे, तो वो उस चीज़ से नाखुश थी. शी हैज़ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी रिस्पेक्ट करती थी. शी रियली थिंक्स दैट ही इज़ हेड एंड शोल्डर अबव द ऑर्डिनरी रन ऑफ पीपल. वो वाकई सोचती थी कि वो आम लोगों से हट कर हैं. एट द डिनर पार्टी, जब डिनर सर्व हुआ, शी वेरी मच विशेज दैट ही इंटरवीन्स एंड गिव्स द डिस्कशन अ डायरेक्शन. उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके हस्बैंड भी कोई बातचीत करें और डिस्कशन का एक नया रुख मोड़ें, विच शी थॉट इट वॉज लैकिंग, जो कि वो समझती थी कि इसकी कमी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि वो चाहती थी. वंस द पार्टी हैज़ बीन सेट इन टू मोशन, जब पार्टी शुरू हो गई, मिसेस रैमजे कैन सिट बैक एंड बी एन ऑन लुकर फॉर अ मोमेंट. मिसेस रैमजे जो हैं वो थोड़ी देर बैठ जाती थी और देखती थी चारों तरफ. बट शी अलोन कैन सेट द पार्टी इन मोशन, लेकिन वो अकेले ही काफ़ी थी कि पार्टी को मूव कर सकें. दिस इज़ अ यूनिक डिस्टिंक्शन एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द नावल. यही इनकी अनोखी क्वालिटी थी और यही इनको अलग करती थी तमाम बाकी करेक्टर्स से, और इसी वजह से इनका बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत अहम रोल है इस नावल में. शी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन. हर गेस्ट, हर हस्बैंड सेड वर हर ग्रेट एडमायरर्स. उनके गेस्ट जो हैं, जो उनके घर मेहमान आते थे, और उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके ग्रेट एडमायरर्स थे, उनको बहुत पसंद करते थे. इंडीड शी हैड द होल ऑफ अदर सेक्स अंडर हर प्रोटेक्शन. टूवर्ड्स हर देयर एटीट्यूड वॉज ट्रस्टफुल एंड रेवरेंशियल. यानी तमाम जितने भी लोग थे, चाहे वो मर्द हों, औरत हों, वो उनकी प्रोटेक्शन में थे, और उनकी तरफ जो है वो उनका एटीट्यूड बहुत ट्रस्टवर्दी होता था और रेवरेंशियल, बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होता था. मिसेस रैमजे इन हर वीन्स हैज़ द ब्लड ऑफ एन इटालियन फैमिली. इटालियन फैमिली से वो बिलोंग करती थी, हुज डॉटर्स स्कैटर्ड अबाउट द इंग्लिश ड्राइंग रूम्स इन द 19th सेंचुरी हैड लिप्स्ड सो चार्मिंगली. इटालियन फैमिली से ताल्लुक़ था, तो जो बेटियाँ थी उस फैमिली की वो इंग्लिश ड्राइंग रूम्स में स्कैटर्ड थी, यानी उनकी शादियाँ इंग्लिश ख़ानदानों में हुई थी 19th सेंचुरी में, जो बड़े अच्छे तरीके से बोलना जानती थी. ऑल हर विट, जितना भी ह्यूमर था उनका, एंड बीमिंग ऑल हर गुड मैनर्स, जो भी उनके अच्छे मैनर्स थे, अच्छे अखलाक थे, केम फ्रॉम देम, वो उनकी फैमिली से आए थे एंड नॉट फ्रॉम स्लगिश इंग्लिश एंड द ओल्ड स्कॉच. और जो इंग्लिश घर थे जहाँ उनकी शादियाँ हुई थी, वहाँ से नहीं सीखे थे, बल्कि वो इटली के ख़ानदान से जहाँ उनका ताल्लुक था, वहाँ से वो सीख के आई थी. इट इज़ शी हु इज़ एबल टू असेंबल. ये मिसेस रैमजे थी जो लोगों को इकट्ठा करना जानती थी. एंड द समर हाउस सच अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट. समर हाउस में और इतने बड़े पैमाने पे वो गेस्ट और लोगों को इकट्ठा करती थी, उनको जोड़ के रखती थी. लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट पीपल हु आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे आदात में भी और पर्सनालिटी वाइज भी. इट इज़ विद हर गुड मैनर्स, हर केयर एंड हर प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट शी इज़ एबल टू होल्ड द सर्कल टुगेदर. ये उनके अच्छे अखलाक थे, उनकी केयर थी और उनके माइंड की प्रेजेंस थी जिसने तमाम जो उनके दोस्त अहबाब का सर्कल था और रिश्तेदारों का सर्कल था, उसको जोड़ के रखा हुआ था. मिसेस रैमजे हैज़ एन इनक्योरेबल टेंडेंसी टू मैच मेकिंग. उनकी ये भी एक आदत थी मैच मेकिंग की. इट इज़ पार्ट ऑफ हर ट्रेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. ये भी उनकी एक शख्सियत का हिस्सा थी कि वो लोगों को इकट्ठा करती थी, इस वजह से वो मैच मेकिंग भी करती थी,
इन मैच मेकिंग हर एक्सपीरियंस इज़ ऑफ कोर्स नॉट ऑलवेज हैप्पी, लेकिन ये हमेशा हैप्पी एक्सपीरियंस नहीं प्रूव हुआ. एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन द नावल, नावल के कुछ हिस्सों में देर आर रेफरेंसेस टू हर इंटरेस्ट इन बाइंडिंग पीपल इन वेडलॉक. रेफरेंसेस हैं नावल में जहाँ पे वो लोगों के रिश्ते जुड़वा रही हैं, उनका रिश्ता करवा रही हैं. जैसे कि मिंटा पॉल अफेयर इज़ अ केस इन पॉइंट, शी थॉट इट वॉज हर ड्यूटी दैट दे शुड बी मैरिड. वो ये सोचती थी मिंटा पॉल के बारे में कि उनका अफेयर है तो उसकी ड्यूटी है कि वो उनकी शादी करवाए. शी फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटाज वेल बींग एंड कुड नॉट सी हर गोइंग अबाउट लूज. वो नहीं चाहती थी कि मिंटा जो है वो इस बारे में कोई नेगलेक्शन करे, और उसकी वेल बींग के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराती थी, और वो नहीं देखती थी या नहीं देखना चाहती थी कि वो मिंटा अपने आप को खो दे. दैट शी वॉज़ अ फोर्स बिहाइंड द मैरिज, वही फोर्स थी उसकी शादी के पीछे, बिकम्स क्लियर आफ्टर द मैरिज हैज़ फेल्ड. उसकी शादी फेल हो गई थी और यही प्रूफ था कि वो ही फोर्स करती थी उसको इस शादी के लिए. पॉल एक्यूज़ेस हर ऑफ हैविंग ब्रॉट हिम टू दिस मिजरेबल पोजीशन. पॉल उनको एक्सक्यूज़ करता था कि आपने ही उसको फोर्स किया था शादी के लिए और अब वो इस मिजरेबल पोजीशन पे है. सिमिलरली मिसेस रैमसे हैज़ ऑलवेज बीन प्लानिंग टू टाई लिली ब्रिस्को एंड समबॉडी इन मैरिज. वो लिली ब्रिस्को की भी कहीं शादी करवाना चाहती थी और वो हमेशा इसके लिए प्लानिंग करती रहती थी. मिसेस रैमसे इज़ अ परफेक्ट होस्टस, बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज थी वो. People wondered how with her meager income, यानी उनकी बहुत मामूली इनकम होती थी, she was able to feed and look after so many guests. यानी मामूली इनकम के साथ इतने ज़्यादा लोगों को फीड भी करती थी और उनका ख्याल रखती थी. She invites large groups of Mr. Ramsey's students. Mr. Ramsey के students भी उनके घर में ठहरने आते थे, and friends to visit their house, उनके घर visit करने आते थे. Being the central figure of the family, she presides over ceremonies and tries to produce and maintain a congenial and pleasant atmosphere. Yani wo koshish karti thi ki ghar ka mahol present rahe, specially ceremonies ke duran, kyunki wo central figure thi is family ka. So deep is her commitment, wo bahut committed thi, that she behaves similarly to each of her guests. अपने तमाम गेस्ट से उनका एक जैसा रवैया था क्योंकि वो कमिटेड थी. इवन दोज हु डू नॉट डिज़र्व और अप्रिशिएट हर काइंडनेस, उनके साथ भी उनका रवैया बहुत अच्छा था, जो कि उनकी काइंडनेस और उनकी जो कंपैशनेट बिहेवियर था वो डिज़र्व नहीं करते थे या उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे. बिफोर हेडिंग इन टू टाउन फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इंसिस्ट ऑन आस्किंग ऑगस्टस कारमाइकल होम शी सेंसेस डज नॉट लाइक हर. वो टाउन की तरफ जा रही थी, जैसा कि मिसाल दी गई है यहाँ पे. वो इंसिस्ट करती है ऑगस्टस कारमाइकल को, जो कि वो सेंस कर सकती थी उनको पसंद नहीं करता. इफ़ शी कैन ब्रिंग एनीथिंग टू मेक हिज स्टे मोर कंफर्टेबल, वो उनसे पूछती है क्या मैं आपको कुछ ला दूँ ताकि आप मज़ीद कंफर्टेबल रहें इस घर में. शी इज़ वेरी पोलाइट एंड हॉस्पिटेबल एज वर्जीनिया वुल्फ सेज. वर्जीनिया वुल्फ मिसेस रैमसे के मुतालिक कहती हैं कि वो बहुत पोलाइट हैं और मेहमान नवाज हैं. शी कुड नॉट बेयर इनसिविलिटी टू हर गेस्ट, उसको नहीं पसंद था कि किसी भी गेस्ट के साथ कोई बदसलूकी की जाए या उसको तनहा छोड़ दिया जाए. टू यंग मैन इन पर्टिकुलर, जो बहुत यंग आदमी हैं ख़ास तौर पर उनके बारे में कह रही है कि हु वर पुअर एज चर्च माइस एक्सेप्शनली एबल. मिसेस रैमसे इज़ फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मेकिंग हर इंटू काइंड हार्टेड एंड कंसिडरेट पर्सन. वो यानी उनमें काइंडनेस जो है और काइंड हार्टेडनेस भरी हुई है और वो एक कंसिडरेट पर्सन है, ये बहुत केयरिंग है. शी फील्स वेरी ग्रेटली फॉर द पुअर एंड द अनफॉर्चुनेट, गरीबों के लिए उस उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और ख़ास तौर पे जो बदकिस्मत लोग होते हैं उनके बारे में भी वो काफ़ी कंसिडरेट होती हैं. दिस इज़ मोस्ट क्लियरली ब्रॉट आउट बाय द अर्नेस्टनेस एंड एफर्ट विद विच शी नेट्स स्टॉकिंग फॉर द पुअर लाइट हाउस कीपर्स सन. इस नावल की शुरुआत में यही दिखाया जा रहा होता है कि मिसेस रैमसे जो हैं वो बड़ी संजीदगी के साथ और एफर्ट के साथ
स्टॉकिंग निटकर ही होती हैं लाइट हाउस का जो कीपर होता है उसके बेटे के लिए, जो बेचारा गरीब उस बेटा होता है उसका. शी नोज़ दैट द लाइट हाउस कीपर लीड्स अ लोनली लाइफ. वो जानती है कि लाइट हाउस का जो कीपर है वो तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा है. एंड इट वुड बी अ मैटर ऑफ सम चीयर टू हिम टू रिसीव समथिंग बाय द वे ऑफ अ प्रेजेंट. यानी वो बहुत खुश होगा कि अगर उसको कोई तोहफा दे. So great is her consideration for the poor boy that she almost identifies him with her own son James. वो बहुत considerate होती हैं उस poor boy की जानिब, यहाँ तक कि वो identify करती हैं उसको अपने बेटे James के साथ. 10 years later, 10 साल बाद, when Mr. Ramsey takes a brown parcel to the light house, 10 साल बाद Mr. Ramsey brown parcel लेके जाते हैं light house की जानिब. He is only paying homage to his dead wife. वो सिर्फ अपनी dead wife को homage pay करते हैं. She has great consideration for even the small children. छोटे बच्चों से उनको बहुत मोहब्बत थी, बहुत लगाव था. Here in so many other things, she is in sharp contrast to her husband. यहाँ बहुत सारी चीज़ों में बहुत sharp contrast था उसका उसके husband के साथ. Mr. Ramsey brutally shatters young James' hope of going to the lighthouse. Mr. Ramsey जो हैं अपने सबसे छोटे बेटे की उम्मीद तोड़ देते हैं. ब्रूटली शटर यानी बहुत उसको सख्ती से मना कर देते हैं लाइट हाउस जाने से और उसकी उम्मीद तोड़ देते हैं. मिसेस रैमजे नोज़ दैट दिस विल हर्ट एंड शॉक जेम्स. मिसेस रैमजे जानती थी कि ये बात जेम्स को हर्ट करेगी और शॉक में लेके जाएगी. शी देयरफॉर नॉट ओनली डज शेयर हर हस्बैंड्स क्रुएलिटी बट पॉजिटिवली रिमॉन्स्ट्रेट्स विद हिम. वो अपने हस्बैंड की क्रूलिटी शेयर नहीं करती बल्कि उसको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस करती हैं जेम्स को. एंड मिस्टर टेंसले फॉर देयर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपथी फॉर देयर चिल्ड्रन. वो कहती हैं कि बिल्कुल इनको समझ नहीं है मिस्टर टेंसले को भी और उसके हस्बैंड को कि बच्चों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए और उनको इतनी समझ नहीं होती तो उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए. Yes, of course, if it's fine tomorrow, said Mrs. Ramsey, but you will have to be up with the lark, she added. यानी वो उसकी उम्मीद को ताज़ा करते हुए बात कहती हैं कि अगर कल मौसम ठीक होगा तो फिर तुम्हें सुबह जल्दी जागना पड़ेगा. यानी वो उसको उम्मीद दिलाती हैं कि हम जाएंगे. ये मिसेस रैमजे का डायलॉग है, इसको नोट कर लीजिए. इवन वेन शी हरसेल्फ परहैप्स नोज दैट द ट्रिप टू द लाइट हाउस मे नॉट कम ऑफ, शी रिफ्रेन्स फ्रॉम डिस्करेजिंग जेम्स. वो जानती थी कि कल वो लाइट हाउस नहीं जा सकेंगे मौसम की ख़राबी के बायस, लेकिन इसके बावजूद वो उसको मायूस नहीं करती और उसको पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं. मिसेस रैमजे इंस्पायर्ड फीलिंग्स ऑफ कम्प्लीटनेस एंड हार्मनी इन लिली ब्रिस्को. लिली ब्रिस्को भी उनके घर रहने आई होती हैं और मिसेस रैमजे ने हमेशा इंस्पायर किया होता है उसकी कम्प्लीटनेस और हारमनी की फीलिंग्स को. Which make Lily fall in love with the place. Lily को वो जगह बहुत पसंद होती है. Lily is drawn to Mrs. Ramsey's inner light, strength and purity. Lily जो है Mrs. Ramsey की inner light, उनकी ताकत, उनकी जो purity है उसकी तरफ खिंची चली आती है. This Lily admits in part 3 of the novel. वो admit करती है इस बात को नावल के तीसरे हिस्से में. Lily is haunted by Mrs. Ramsey long after the latter has died. Lily जो है वो Mrs. Ramsey से बहुत इंस्पायर होती है इसी बात की वजह से. वो पार्ट 3 में Mrs. Ramsey को ये तसव्वुर करती है कि वो दोबारा से लौट आई हैं. When the former sits back painting, some white thing was seen in the room. जब लिली ब्रिस्को अपनी पेंटिंग में मसरूफ़ होती है तो उसको कोई वाइट चीज़ नज़र आती है कमरे में. द ओल्ड हॉरर केम बैक एंड शी क्राइड. उसको ऐसा डर सा महसूस होता है और वो चिल्लाती है मिसेस रैमजे, मिसेस रैमजे, उनका नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारती है. शी कुड इमेजिन मिसेस रैमजे सिटिंग ऑन द टेबल. वो इमेजिन कर सकती है कि मिसेस रैमजे जो हैं वो टेबल पर बैठी हैं. शी वॉज इरेजिस्टेबल. बहुत अट्रैक्टिव महसूस होती हैं उसको लिली थॉट. लिली सोचती है. लिली अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ शी कैन पोजेस द स्पार्कलिंग लाइट ऑफ मिसेस रैमजे एंड टू रिक्रिएट इट इन हर पेंटिंग्स. लिली ये बात सोचती है कि किस तरह से और कब उसने मिसेस रैमजे की स्पार्कलिंग लाइट को पोजेस किया और फिर रिक्रिएट किया अपनी पेंटिंग्स में. आगे टेक्सचुअल कोट है. विद स्टार्स इन हर आइज एंड व्हील्स इन हर हेयर विद साइक्लोमैन एंड वाइल्ड वॉलेट्स
What nonsense was she thinking? She was 50 at least. She had 8 children. ये Lily Briscoe के डायलॉग्स हैं. कंक्लूजन की तरफ जाते हैं जी. या आपने कंक्लूडिंग पैरा बहुत डिटेल में लिखना होता है. टू कंक्लूड वी कैन से दैट मिसेस रैमसे हैज़ अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी. उनकी बहुत मैग्नेटिक मकनातीसी पर्सनालिटी है. एंड इज़ कॉल्ड अ चार्मिंग पर्सन. और वो चार्मिंग है पर्सनालिटी वाइज. फॉर वन थिंग हर एज नॉट विथ स्टैंडिंग. उनकी एज जितनी थी वो उतनी लगती नहीं थी. शी हैज़ कंसिडरेबल फिजिकल चार्म. नॉट ओनली लिली शी कास्ट अ स्पेल ऑन एवरीबडी हु केम इन कॉन्टैक्ट विद हर. यानी उन्होंने अपना जादू हर एक पे चला दिया. ना सिर्फ लिली उनके स्पेल में आ गई बल्कि तमाम के तमाम लोग जो उनके घर में मौजूद थे वो भी. इंडीड हर चार्म्स वर इरेजिस्टिबल. यानी उनकी बहुत करिस्मेटिक पर्सनालिटी थी और वो इरेजिस्टिबल थी. शी वॉज ऑफ कोर्स नॉट फ्री फ्राम सम ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द फीमेल सेक्स. शी कुड फॉर इंस्टेंस बी ईजिली फ्लैटर्ड. यानी लोग उनकी तारीफ करते थे तो वो उनकी बातों में आ जाती थी. वो ईजिली फ्लैटर्ड. In fact, at one place, एक जगह, the novelist goes to the extent of saying that often her good deeds were done with a powerful desire of being praised. Novelist, यानी Virginia Woolf, यहाँ तक उनके बारे में कहती है कि वो अच्छी बातें करती थी और लोगों के साथ इसलिए अच्छे अखलाक से रहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसको प्रेज़ हासिल होगी, लोग खुश होंगे. तो ये भी उसकी एक बहुत पावरफुल डिज़ायर थी कि उसकी लोग तारीफ़ करें. बींग हेल्ड एंड हेल्प अप एज अ मॉडल ऑफ सिविलिटी एंड गुडनेस. यानी वो एक रोल मॉडल के तौर पे लोगों के सामने आना चाहती थी जो कि मॉडल हो सिविलिटी का और गुडनेस का. Okay, students, I hope you have understood the character sketch of Mrs. Ramsay in the novel To the Lighthouse. If you don't understand anything or if you have any sort of questions and queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host Samya Omar signing off from M English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any important video. Take care and Allah Hafiz.